तो मुझे कई सारे क्वेश्चंस आते हैं कि कीवर्ड्स में क्या मिस्टेक्स हैं जिससे कि मेरी बुक रैंक नहीं कर रही या मुझे सेल्स नहीं आ रहे हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ही आते हैं हमारे चैनल पे, तो इन सब चीज़ों के बारे में आज बात करने वाली हूँ मैं। तो हेलो नमस्ते, मेरा नाम प्रियंका दुबे है, और अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो इस चैनल पे मैं बात करती हूँ केडीपी के बारे में, और इन द नियर फ्यूचर मैं और भी पैसिव इनकम स्ट्रीम्स पे वीडियोस बनाने का सोच रही हूँ। तो अगर आप ऐसे टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड सपोर्ट इट बाय शेयरिंग विथ योर फ्रेंड्स। और अगर आप मुझे पहले से ही सपोर्ट कर रहे हैं तो थैंक यू सो मच, आई ट्रूली अप्रिशिएट इट। तो कीवर्ड्स जो होते हैं वो बहुत एक क्रूशियल पार्ट होता है कोई भी केडीपी बिजनेस का, एसईओ का। आप कोई भी ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं और उसको रैंक कराना चाहते हैं तो ऑब्वियसली कीवर्ड्स जो होते हैं वो उसके बैकबोन होते हैं। आपके इंटीरियर इम्पॉर्टेंट है, कवर भी इम्पॉर्टेंट है, बट कीवर्ड्स भी उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं। और जहाँ तक केडीपी सेल्स की बात आती है, मैं पहले भी अपने वीडियोस में बोल चुकी हूँ, मैं फिर से बोल रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर 10 बुक बनाए तो आपके 10 बुक सेल करेंगे। मेरे कई बुक फेल हुए हैं, ऐसा भी नहीं है कि मैं जो बनाती हूँ वो सक्सेस ही होता है। और अगर कोई ऐसा बोल रहा है तो दिस इज़ अ लाई, ये झूठ है, ठीक है। लेकिन अपने तरफ से हमको क्या करना है कि हमको मेक श्योर करना है कि हम सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं, जो स्ट्रेटजी है वो सही बैठा रहे हैं। बाकी आप इसमें कोशिश करते रहिए, आपकी अगर 1-2 बुक भी अच्छी रैंकिंग आ गई तो यू आर गोइंग टू मेक अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। तो पहली जो टाइटल और सब टाइटल के कीवर्ड्स होते हैं वो सेम लोग क्या करते हैं कि कॉपी पेस्ट मार देते हैं KDP 7 boxes में भी, जो कि गलत है, ठीक है। अब आप पूछेंगे कैसे गलत है। ये इस वजह से गलत है क्योंकि आप जो है वो कीवर्ड्स पहले से ही यूज़ कर चुके हैं टाइटल में और या फिर सब टाइटल में। तो अगर आप सेम चीज़ को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप जो 7 KDP boxes का जो स्पेस है आप उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, आप उसको बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि उस जगह पे आप दूसरे यूजफुल कीवर्ड्स लिख सकते थे, ठीक है। तो ये रिपीट ना करें, आपको टाइटल्स और सब टाइटल्स कीवर्ड्स को बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। एक कीवर्ड एक बार लिख दिया काफ़ी है और बाकी एल्गोरिदम अपने आप अमेज़ॉन बैठा लेता है, आपको बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरी गलती जो लोग करते हैं वो है कि इरेलीवेंट कीवर्ड्स यूज करते हैं, मतलब जिसका कोई तुक नहीं बनता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप बना रहे हैं, लेट्स सपोज आप बना रहे हैं डॉग कलरिंग बुक, अगर उसमें आप आइसक्रीम कलरिंग बुक्स के कीवर्ड्स लिख रहे हैं तो ऑब्वियसली ये कुछ सेंस नहीं बनाता है और ये बिल्कुल इरेलीवेंट है। ऐसा करने से आपका अकाउंट भी है वो भी डेंजर में आ सकता है, क्योंकि एक क्वेश्चन आया था मुझे अपने कमेंट बॉक्स में जिसमें कि एक जन पूछ रहे थे मुझसे कि मैंने एक बुक पब्लिश करा, मेरे को ये आ गया एरर जिसमें कि केडीपी ने ईमेल किया मेरे को कि आपका कैटेगरीज और जो कीवर्ड्स हैं वो रॉन्ग है, इरेलीवेंट है। तो केडीपी आपको खुद ही बता रहा है कि या तो आपने कैटेगरीज एकदम इरेलीवेंट चूज किए हैं, इसके बारे में मैंने पहले बात कर रखा है, या तो आपने कीवर्ड्स जो हैं वो रिलेवेंट यूज़ किए हैं। अब लोग इरेलीवेंट कीवर्ड्स क्यों यूज़ करते हैं, बस एक ही उसका मतलब है, वो इसलिए यूज़ करते हैं ताकि उनको लगता है कि अगर मैं दूसरी कीवर्ड्स भी यूज़ करूँगा या करूँगी तो मैं उस कीवर्ड्स के लिए भी रैंक करने लग जाऊँगी, ऐसा उनका साइकोलॉजी होता है ये चीज़ करने के लिए। लेकिन ये बिल्कुल गलत है और ये आपका अकाउंट भी जो है वो डेंजर में डाल सकता है, तो कृपया करके ये ना करें, ठीक है। अब तीसरी गलती लोग करते हैं कि ऑथर का नाम भी जो है वो अपने कीवर्ड स्पेस में डाल देते हैं, 7 KDP boxes जो होता है उसमें डाल देते हैं, उसको लगता है कि वो उसकी बुक अच्छी बिक रही है तो हमारी ही बिक जाएगी, ठीक है। तो ऐसा करना भी आपका अकाउंट जो है वो डेंजर में डाल सकता है, क्योंकि लेट सपोज कि आपका XYZ जो भी आपका नाम है, आपकी बुक जो भी आपने बनाई है वो अच्छी रैंक कर रही है। अब मैं आपकी कंपटीटर हूँ, मुझे हो गई आपसे जलन कि अरे इसका बुक तो इतना सेल पा रहा है, इतना कर रहा है, अब मैं क्या करूँगी, इसका ऑथर नेम ही चुरा लेती हूँ, या कोई फेमस ऑथर नेम है मैं उसको ही चुरा लेती हूँ, और मैं सोचूंगी कि मुझे भी अब सेल आएगी क्योंकि अब मैं भी रैंक करूँगी। तो ये सरासर एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये गलत है, रूल को वायलेट कर रहे हैं आप। दूसरी चीज़, आप खुद सोचिए कितना अनएथिकल है,
राइट, ये कितना खराब साउंड करता है। दूसरों की मेहनत को आप खुद के स्पेस में डाल के सोचेंगे कि हाँ मैं भी हो जाऊंगा, हो जाऊंगी ऐसा, तो ये बिल्कुल भी गलत बात है। ये हमको नहीं करना है, और अगर आप ऐसा करते रहे तो आपका अकाउंट केडीपी खुद ही हटा देगा। तो माइंड यू कि आप ऐसी चीजें ना करें, ठीक है। फोर्थ कीवर्ड मिस्टेक जो लोग करते हैं, वो अमेजोन प्रोग्राम के नेम ही लिखने लग जाते हैं अपने केडीपी स्पेस में। फॉर एग्जाम्पल, कि जैसे केडीपी लो कॉन्टेंट बुक है, तो आपने केडीपी लो कॉन्टेंट बुक लिख दिया, या फिर आपने केडीपी सेलेक्ट लिख दिया, या फिर किंडल अनलिमिटेड लिख दिया। मतलब जो भी अमेजोन के प्रोग्राम्स के नाम ही आपने लिखने चालू कर दिए, तो आपको ऐसा भी कतई नहीं करना है। ये भी रूल्स के खिलाफ है, और ये कीवर्ड मिस्टेक लोग करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि मैं तो लो कंटेंट बुक बना रही हूँ या बना रहा हूँ, तो मुझे तो ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा जो कि आप करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए ऑब्वियसली आजकल लो कंटेंट बुक्स के लिए कैटेगरीज के नीचे हमको वो चेक बॉक्स मिलते हैं जिसमें कि हमको बताना पड़ता है कि ये लो कंटेंट है या नहीं है। तो और ऑब्वियसली वो अमेजोन का एल्गोरिदम अपने आप बता देता है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये गलती भी आपको नहीं करना है, अदरवाइज इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेलिंग एरर्स। लोग स्पेलिंग एरर्स भी करते हैं, कुछ लोग तो जानबूझ के भी करते हैं, ये भी मैंने नोटिस किया है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये शायद मैं रैंक कर जाऊंगा, क्योंकि कुछ लोगों को स्पेलिंग ढंग से नहीं आती है, उल्टा पुल्टा लिखेंगे तो मेरी बुक रैंक करेगी। बहुत सारे लोग अपना अपना साइकोलॉजी लगाते हैं, दिमाग लगाते हैं, बट ये सब अपने को करने की जरूरत नहीं है। आप रूल्स से चलिए, आप पेशेंस के साथ चलिए, और आप मेहनत करते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट लोग जो गलतियाँ करते हैं, वो करते हैं टाइम सेंसिटिव कीवर्ड्स। अब टाइम सेंसिटिव कीवर्ड्स क्या हो गया, जब जैसे कि अमेज़ॉन, मिंत्रा, इन सब पे जब सेल आता है, तो कैसे हम लोग को टीवी पे या फिर इंटरनेट पे ऐसे दिखाई देता है कि 2 more days to go, like सेल इज कमिंग फ्रॉम 4th अगस्त to 8th अगस्त, ऐसा कुछ। तो लोग क्या करते हैं, ये टेक्निक जो है वो अपने बुक में भी चालू कर देते हैं। जैसे अवेलेबल टुमारो हो गया, या फिर अवेलेबल नाउ, या फिर अवेलेबल फॉर 2 days, या फिर ऑन सेल, थैंक्सगिविंग सेल्स, क्रिसमस सेल्स, ऐसा ऐसा लोग यूज़ करने लग जाते हैं। तो आपको ये ऐसे कीवर्ड्स भी यूज़ नहीं करना है जो कि अर्जेंसी दिखाए। टाइम सेंसिटिव मतलब अर्जेंसी, या फिर हो गया कि आप उसको बहुत ग्लिटरिंग वर्ड्स यूज कर रहे हैं कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, जैसे कि न्यू, ठीक है, बेस्ट, ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है क्योंकि अमेजोन को ये कतई पसंद नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो सब्जेक्टिव कीवर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मेरा बुक जो है वो सबसे अच्छा, जैसे मेरा बेस्ट कलरिंग बुक, बेस्ट लॉग बुक, बेस्ट हेल्थ लॉग बुक, बेस्ट ट्रैवलिंग लॉग बुक, बेस्ट कैंपिंग लॉग बुक, और न्यू कैंपिंग लॉग बुक। और जैसे आप ऐसे ऐसे मतलब लोग दिखाना चाहते हैं कि मेरी बुक जो है सबसे अच्छी है और ऐसा वैसा, तो ये भी कीवर्ड्स मिस्टेक्स है जो कि आपको भारी पड़ सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कीवर्ड्स मुझे कैसे पता कि अलाउ नहीं है, या फिर ये मिस्टेक है, या लोग करते हैं, ये मैं कैसे बता रही हूँ। ये बेस्ट कलरिंग बुक्स हो गए, या अवेलेबल ऑन सेल, या फिर स्पेलिंग मिस्टेक्स, या कोई भी इनमें से एरर जो है, वो Helium 10 वाले वीडियो में मैंने बताया था कि Helium 10 में आप अपने कंपटीटर्स के कीवर्ड्स को कैसे देख सकते हैं, मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप यूज़ करते हैं Helium 10 तो आपको पता ही होगा। और अगर आप पहली बार मतलब मेरा ये वीडियो देख रहे हैं और KDP बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, तो Helium 10 वाला वीडियो देखिएगा आप। उसमें मैंने बताया है कि अपने कंपटीटर्स के कीवर्ड्स को स्पाई कैसे कर सकते हैं। उसी में मैंने बताया था कि आप बैकएंड कीवर्ड्स कैसे देख सकते हैं। तो वहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें मैंने नोटिस की है। और दूसरी बात कि ये सारे रूल्स हैं अमेजोन के, तो ऑब्वियसली यू हैव टू फॉलो, ओके। नेक्स्ट है ट्राई अपडेटिंग कीवर्ड्स, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आई वुड से। और मैं ये खुद बोलूँगी कि मैं खुद इसमें कंसिस्टेंट नहीं हूँ, क्योंकि समय के साथ जब क्वांटिटी बढ़ने लगती है बुक्स की, तो सबको आई वुड से एक बार मैनेज करना, मैं बोलूँगी, या सब पे नज़र रखना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है।
क्योंकि अगर आपके पास 5 बुक है तो आप 5 बुक को अपडेट करके रख सकते हैं, उनका टाइम टू टाइम आप उसको अपडेट करते रहते हैं, आप उन पर नज़र रखते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जो आपकी बुक्स की संख्या बढ़ने लग जाती है तो आप किस पे अब अपडेट करेंगे। लेकिन मैं यही बोलूँगी कि अगर आप शुरू कर रहे हैं किडवे बिजनेस, या फिर आपने कुछ बुक्स आपको लगता है आप कॉन्फिडेंट इनफ हैं कि मेरे कीवर्ड्स बहुत अच्छे हैं, मेरे कवर भी बहुत अच्छे हैं और इंटीरियर भी और एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब अच्छा है, फिर भी सेल नहीं आ रही है, तो आप कुछ ऐसे बुक्स के लिए भी ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने बुक्स पब्लिश की हैं, उसको पब्लिश किए हुए 1.5-2 महीना हो गया फिर भी सेल नहीं आ रही और आपको लगता है कि ये सब कुछ अच्छा है, तो उस केस में आप उसके कीवर्ड्स को अपडेट करने की कोशिश करिए। क्योंकि जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था इस वीडियो के, नो मैटर व्हाट यू डू सम बुक्स नेवर सेल, ये मेरे साथ भी हुआ है, आई थिंक ये बहुत लोगों के साथ ही हुआ है, तो आपके साथ भी अगर ये हो रहा है तो आप ये चीज़ करने की कोशिश करिए और शायद ये करने के बाद आपके बुक्स में कुछ ट्रांजैक्शन होना शुरू हो जाए। तो ये आप कर सकते हैं, आप एक स्प्रेडशीट बना लीजिए और जिसमें कि आपको लगता है मेरे बेस्ट लुकिंग बेस्ट बेस्ट बिल्डअप बुक्स हैं मेरे, उन सब की आप नेम उन सब का ट्रैक रखिए। जैसे आपने 5 अच्छे बुक बनाए जो आपको लगता है कि ये बेस्ट है मेरे, वो 5ों का ट्रैक करिए, एक स्प्रेडशीट में नाम लिखिए, कब पब्लिश किया था, उनका लिंक एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब कुछ करिए, और उसके बाद उसको 1-1.5 महीना पब्लिश करने के बाद उसको रहने दीजिए। 1.5 महीना बाद भी अगर उसमें आपको कुछ ट्रांजेक्शन नहीं दिखता है या वो रैंक भी नहीं कर रही है, उस केस में आप उसके कीवर्ड्स को अपडेट करके फिर उसको ट्रैक करिए। तो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, क्योंकि ये सारे बहुत ही क्रूशियल पॉइंट्स हैं जो कि बहुत छोटे लगते हैं लेकिन ये गलती महंगी पड़ती है अगर आप इसको दोहराएंगे तो। तो यार दैट्स ऑल फॉर द डे, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, इफ़ यू डिड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।